नमस्कार। 21 जून से पहले ये एक अद्भुत प्रयोग आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग पेट को या पूरे शरीर को साफ करने के, शुद्धि करने के लिए बताए गए हैं। तो ऐसे सारे प्रयोगों को आयुर्वेद अलग अलग नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है। तो ये कोष्ठ शुद्धि का प्रयोग अर्थात विरेचन का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने बीमारियां सारे जो है वो कुपित मल से होती है, सारे दूषित मल से होती है, जो शरीर में कचरा रह जाता है उससे ये सारी बीमारियां होती है। तो जैसे घर को हम साफ सफाई साल में एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, उसी तरह से आयुर्वेद में बताया है अपने अपना शरीर भी एक आत्मा का घर है और उसकी सफाई भी हमको साल में दो तीन बार करनी है, लेकिन वो समय समय पर करनी है। कभी भी आप करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक समय में करेंगे तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो कब ये आता है समय, चलिए देखते हैं। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में जब प्रवेश होता है तो उस दिन वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, अर्थात सीजन चेंज होती है, बदलती है। तो उस दिन एक रसायन प्रयोग करने का पूज्य हरिडीकर दादा ने, जो राजीव भाई के गुरु थे, उन्होंने बताया है हजारों प्रयोग करके। तो उस दिन ये प्रयोग करना है। क्या करना है उस दिन? त्रिफला, हरड़, त्रिवृत्त या ऐसी कोई भी औषधि, आप हरड़ का उपयोग कर सकते हैं, त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं या कोई भी पेट साफ करने के चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। इसको आपको आर्द्रा नक्षत्र से पहले, अर्थात इस बार 21 जून को है, 21 जून से पहले उसका प्रयोग शुरू कर देना है। तीन से चार बार वो चूर्ण लेना है, मिनिमम तीन बार वो चूर्ण लेना है। रोज ले सकते हैं, कंटिन्यू तीन दिन तक ले सकते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन ले सकते हैं। और ये त्रिफला या हरड़ का चूर्ण पानी के साथ, मधु के साथ, दूध के साथ, किसी के साथ आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि वो गर्म पानी से ले, तो इसको विरेचन कर्म कहते हैं। तो ये विरेचन होकर आपका कोष्ठ शुद्ध हो जाएगा। तो ये कब करना है? तो आर्द्रा नक्षत्र आता है 21 जून को, उससे पहले ये शुरू कर देना है कार्यक्रम। मिनिमम तीन बार, मैक्सिमम चार पांच बार आप ये प्रयोग कर सकते हैं पेट सफाई का। तो ये पेट साफ करने के लिए विरेचन के लेने की आयुर्वेद में बात बताई है। उसमें विरेचन से बहुत सारी जो गंदगी है, बहुत सारे जो हमारे पेट में जो दूषित तत्व है वो निकल जाते हैं। और उसके बाद 21 जून को एक रसायन प्रयोग करने को बताया है, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।